नमस्ते, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जनार्दन हेब्बार। आज का क्वेश्चन है, शरीर में उष्णता बढ़ाए बिना पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर पाचन शक्ति बहुत कम है तो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए काली मिर्च, पिपली, अदरक, चित्रक, हींग आदि मसाले पदार्थों का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। ये सभी मसाले पदार्थ पाचन शक्ति में सुधार करते हैं, लेकिन शरीर में पित्त को भी ये मसाले पदार्थ बढ़ा सकते हैं। अगर पित्त बढ़ता है तो देह का उष्णता भी बढ़ेगा और कुछ लोगों में इससे बहुत तकलीफ हो सकता है, तो इसका उपाय क्या है? यदि पाचन शक्ति कम है लेकिन रोगी अदरक, काली मिर्च आदि जैसे मसाले पदार्थों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो इलायची, जीरा, मेथी, सौंफ, अजमोदा आदि पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी माइल्ड फॉर्म ऑफ स्पाइसेस है, ये पित्त दोष को हल्के से ही बढ़ाते हैं। ये सभी स्पाइसेस शरीर में गर्मी ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इलायची, जीरा, मेथी आदि स्पाइसेस पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर पाचन शक्ति कम है लेकिन गर्मी को नहीं बढ़ाना है तो ये माइल्ड स्पाइसेस जो हमने बात की, सौंफ, जीरा आदि, इन मसालों को कड़वे हर्ब्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। कड़वे हर्ब्स मतलब गिलोय, नीम, कड़ी पत्ता, हल्दी इत्यादि। कड़वा स्वाद पित्त दोष को संतुलित करता है। कड़वा स्वाद वायु और आकाश तत्वों से बना है, और यदि हल्के मसालों के साथ कड़वे हर्ब्स को अगर दिया जाए, यह थोड़ी हवा के साथ आग का उपयोग करना जैसे होगा, यह संयोजन से पाचन शक्ति बढ़ सकता है। अगर पाचन शक्ति कम है लेकिन शरीर में गर्मी ना बढ़ाना है तो मसाले पदार्थों को घी के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 2 ग्राम सौंठ को आधा चम्मच घी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। घी पित्त दोष को संतुलित करता है। पित्त दोष संतुलन के लिए सभी पदार्थों में से घी को सबसे अच्छा माना जाता है, तो यह संयोजन पित्त दोष को बढ़ाए बिना पाचन शक्ति को बढ़ा सकता है। यदि रोगी में गर्मी बढ़ाए बिना जीर्ण शक्ति बढ़ाना है तो स्पाइसेस जैसे कि अदरक या पिपली को दूध के साथ पकाकर उसको फिल्टर करके बाद में उसको भी उपयोग कर सकते हैं। इसको क्षीरपाक बोलते हैं। इधर मसाला पदार्थ जैसे अदरक और पिपली को दूध के साथ उबाल कर बाद में फिल्टर करके उस दूध को दिया जाता है। इन सभी से अलग 1 या 2 सप्ताह तक दिन में 1 बार का भोजन को त्याग कर देना या एक्सरसाइज करना, ये सभी पाचन शक्ति को सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में और जानने के लिए प्लीज विजिट कीजिए easyayurveda.com।